हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, मार्केट में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या इस समय बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में फ्रेश एंट्री लेना चाहिए या फिर नहीं, जानेंगे आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर विजिट करेंगे कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट और पूरी दुनिया के जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ क्रिप्टोकरेंसी लिस्टेड है वो 20,000 हो चुकी हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और ये पूरी दुनिया को दर्शाता है कि बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री में बहुत ही जबरदस्त तरीके से नए-नए प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो टोटल मार्केट कैप। आप लोगों को याद होगा पिछले 10-15 दिनों से लगभग बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी की जो टोटल मार्केट कैप होती थी वो $800 बिलियन की होती थी, जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस लगभग $18,000 के आसपास आ गया था। लेकिन अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो $962 बिलियन की मार्केट हो चुकी है। यही सबसे बड़ी वजह है कि बिटकॉइन $18,000 से लगभग $21,000 के आसपास आ चुका है। और उसके बाद में अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें तो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर चुका है, 42.5 के आसपास आ चुका है। ये सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो अच्छे अच्छे ओल्ड क्वाइंस हैं उसमें एक रिकवरी स्टार्ट हुई है, लगभग 10-15% 20% तक पंप हो रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस नीचे आया है, जिसकी वजह से ओल्ड क्वाइंस ने रिकवरी स्टार्ट किया है। उसके बाद में इथीरियम का डोमिनेंस की बात करें तो 15.6 पे ये जा चुका है, और लगभग अगर नीचे आया था तो 14% के आसपास आ चुका था। तो आप खुद सोचिए कि यहां पर इथीरियम के प्राइस में कुछ ज्यादा मूवमेंट देखने को मिली है और कुछ ज्यादा प्राइस पंप हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, इफ फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बिलो 10%, अगर फियर एंड ग्रीड यहां पे परसेंटेज जो है वो बिलो 10% होता है तो यहां पर मार्केट में पूरी तरीके से पैनिक का माहौल बन जाता है और धीरे धीरे करके लोग एंट्री करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं पर अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है 80-90% हो जाता है तो मार्केट यहां पर ऑल टाइम हाई हो जाती है, और वहां पर क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा लालच करने लगते हैं, जबकि यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना क्या चाहता हूं कि अभी आप लोगों ने देखा होगा ये लगभग 6% तक मार्केट में डंप हो गया था, तो जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा पैनिक का माहौल बना था। लेकिन अब यहां पे 14% तक आ चुका है, इसका मतलब यह हुआ कि आप खुद सोचिए यहां पे कि जो नए बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के यूजर्स होंगे अभी इसमें क्या हो रहा है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का जो पॉइंट है परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है, इसमें एक फोमो क्रिएट हो रहा है। क्योंकि आप खुद सोचिए पूरी वर्ल्ड वाइड जितनी भी ग्लोबल मार्केट है उसमें कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है, मार्केट एज इट इज लगभग साइडवेज में चल रही है। स्टॉक मार्केट की बात कर लें, फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर लें, शेयर मार्केट की बात कर लें, बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी की बात कर लें, या फिर क्रूड ऑयल या फिर जो भी इंडस्ट्री है, आप किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, मार्केट लगभग साइडवेज में ही चल रही है। बिटकॉइन में थोड़ा सा रिकवरी दिख रही है। अब जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि ये फियर और ग्रीड इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, फोमो। और आप लोगों को पता है फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्या होता है, जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के नए इन्वेस्टर्स हैं वो लोग अक्सर फंसते हैं फोमो के चक्कर में। तो इसलिए यहां पर अगर आप लोग ये सोचते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी ऊपर जाने वाली है, उड़ने वाली है, रैली आने वाली है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सावधान जरूर रहिएगा। मुझे ऐसा पर्सनली ना जाने क्यों लग रहा है कि अभी मार्केट डाउन जरूर आएगी, मार्केट क्रैश जरूर होगी। अभी मार्केट ग्रीन चल रही है, आप लोगों के पास एक अच्छा खासा मौका है। अगर आपने ड्रिप में कोई भी क्वाइन बाई किया है तो आप प्रॉफिट बुक करके सेफ साइड में रहिए, फ्रेश एंट्री के लिए वेट करिए। मैं क्यों बार-बार बोल रहा हूं कि फ्रेश एंट्री के लिए वेट करना है आपको, इसलिए क्योंकि ना तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी कहीं जाने वाली है और ना ही आप कहीं जाने वाले हैं, तो इसलिए यहां पर आप सभी लोगों को वेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आप खुद सोचिए, ना तो आपका पैसा कहीं जाने वाला है और ना ही कहीं मार्केट जाने वाली है। फड के चक्कर में, न्यूज के चक्कर में, फोमो के चक्कर में गलती मत करिएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप खुद सोचिए, यहां पे जितने लोग भी ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किए हैं उनका पोर्टफोलियो ऑलरेडी लॉस में है, वो लोग एवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर होल्डिंग पर बिलीव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहां पे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में नए एंटर किए हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट करिए, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यहीं रहेगी और आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी मिलेगा।
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी मार्केट कहीं जाने वाली है। अब हम यहां पर बात करेंगे बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का। सिंपल सा रेट चार्ट ओपन किया है बिटकॉइन यूएसडीटी के पेयर में, वो भी 3D में। जी हां, अब यहां पे एक चीज आप सभी लोगों को देखना जरूरी है। यहां पे आप यहां से मैं कंसीडर कर रहा हूं ऑल टाइम हाई से, यहां पे एक रेड कैंडल बनी, डंप हुआ मार्केट और थोड़ा सा फेक पंप हुआ और अगेन यहां पे डंप हो गया, फिर अगेन यहां पे थोड़ा सा रिकवरी हुई, फिर डंप हुआ। ये चीज आप लोग देखना, अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा मैं ये चीज क्यों यहां पे रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट यहां पे डंप हुई, फेक पंप हुआ, रिकवरी हुई, वोयल्स ने क्या किया, फोमो दिया, उसके बाद अगेन क्या हुआ, मार्केट डंप हुई, फिर पंप हुई, फिर फोमो दिया, फिर डंप हुई, फिर पंप। यहां पर आप देख सकते हैं फेक पंप आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और यहां से आपको 3 रेड कैंडल लगभग मिली और 3 रेड कैंडल मिली तो बिटकॉइन का प्राइस कितना हो गया, $17,600 के आसपास हो गया। अब यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगेन ये फेक पंप दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज या फिर पॉजिटिव सेंटीमेंट, देखो जब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्राइस तभी बढ़ेगा जब पूरी ग्लोबल मार्केट अच्छे तरीके से बिहेव करेगी। लोगों के पास में अभी पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बहुत सारी क्राइसिस आ रही है, बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहां पर आप जितनी बार देख सकते हो फ्लैश क्रैश हुआ है, अगर इस हिस्ट्री को रिपीट करता है तो बिटकॉइन में अगर एक भी कैंडल बन गई तो यहां पे लगभग $14,225 का जो मैंने यहां पे बताया था आपको प्राइस, लगभग जब प्राइस चल रहा था $28,000 के आसपास, जो भी हमारे पुरानी फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। तो यहां पे एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है जो 22225 के आसपास है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां तक प्राइस पहुंचने के लिए बहुत यहां पे मेहनत करनी पड़ेगी बिटकॉइन को और बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, और यहां तक अगर प्राइस पहुंच भी जाता है 22225 तक तो यहां से मुझे पूरी उम्मीद है कि बिटकॉइन डाउन जरूर आएगा। इसलिए आप सभी लोग नजर बना करके रखिएगा, यही है बिटकॉइन का इंपॉर्टेंट नेक्स्ट मूव। और $20,000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल एरिया है, उस चीज को आप लोग नजर रखिएगा। मार्केट में पूरी तरीके से अभी छोटा सा फोमो क्रिएट हो रहा है, नए लोग फंस सकते हैं, तो इसलिए मैं अगेन कह रहा हूं कि अगर आपने पैसा रखा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ऐसा नहीं कि करोड़पति के चक्कर में रोडपति बन जाएं। तो इसलिए अच्छा है कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें, प्रॉफिट भले ही ना हो लेकिन थोड़ा सा लॉस से बचने की कोशिश करिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है कि बिटकॉइन बुलिश होने वाला है या फिर बेयरिश होने वाला है, कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो में यही था, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।